हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ संदीप बेनीवाल। इस वीडियो में अपने क्लास 11th का 6th लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने कृषि यंत्रों के लाभ पढ़ लिए थे, हानियां पढ़ ली थी और उनका कुछ वर्गीकरण था दो प्रकार से, शक्ति के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर, तो वो पढ़ लिया था। अब अपने पढ़ते हैं कुछ सामान्य जो कृषि यंत्र हैं उनके बारे में, थोड़ी जनरल नॉलेज लेते हैं, सामान्य जानकारियां लेते हैं कृषि यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी। कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी में देखिए अपने क्या क्या बातें करेंगे, उनके कार्य से संबंधित बातें करेंगे, ये किस काम और कैसे लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले बात करते हैं देसी हल। यही अपने लेसन का नाम है और यही अपने आज टॉपिक है, देसी हल। देसी हल या देसी प्लाउ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका उपयोग देखिए प्राचीन काल से कर रहे हैं, मिट्टी को पलटने के लिए, मिट्टी की जुताई के लिए, निराई गुड़ाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से इसका उपयोग पहले पशुओं के पीछे किया जाता था। पहले सबसे पहले मनुष्य ने अपने पीछे हल को चलाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे पशुओं के पीछे चलाना स्टार्ट किया और अब क्या होता है, ट्रैक्टर चलित ये हल आने लगे। इसका मुख्य काम मिट्टी को एक प्रकार से क्या हो, खोदना होता है, यानी कि जुताई की क्रिया के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, निराई गुड़ाई की क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अपने लिखते हैं इसका देसी हल का उपयोग प्राचीन काल से ही जुताई, निराई गुड़ाई के लिए किया जा रहा है। देसी हल का प्रयोग है प्राचीन काल से ही निराई गुड़ाई के लिए और जुताई के लिए किया जा रहा है। यह आकृति, आकार, भार व प्रयोग के आधार पर 40 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 40 प्रकार का होता है। बहुत सारे इसके उपयोग और भार, आकृति, बनावट के आधार पर इसको 40 भागों में विभाजित किया गया है। अब अपने लगते हैं मुख्य 5 भाग होते हैं देसी हल के मुख्य 5 भाग होते हैं। अब 5 भाग कौन कौन से होते हैं इनको अपने क्रमबद्ध लिखेंगे। फर्स्ट है बॉडी होती है, दूसरा सू होता है, तीसरा हरीश और चौथा फाल। हरीश, चौथा फाल और पांचवा हत्ता। ठीक है, अब ये होते हैं, ये जो बॉडी होती है, बॉडी ये क्या काम करती है, लकड़ी की बनी होती है। किसकी होती है? लकड़ी की बनी होती है। बॉडी वाला भाग है जो लकड़ी का बना होता है। अब बात करते हैं सू की। यह क्या होता है, मिट्टी को चीरने का काम करता है, ठीक है, ये सू होता है, ये मिट्टी को चीरने का काम करता है और हल को सहारा देता है। और हरीश होता है, ये बॉडी को इससे जोड़ के रखता है
ये इसको सू क्या करता है कि फाल को मिट्टी में नियंत्रित करता है, मिट्टी में नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हरीस होता है बॉडी वे सू को जोड़ता है, और फाल होता है मिट्टी को चीरता है, इसका काम होता है मिट्टी को चीरना, और ये जो हत्ता होता है इससे कंट्रोल करता है। इससे क्या करता है, किसान पीछे से इसे पकड़ के इसको कंट्रोल करता है, दिशा प्रदान करता है, कंट्रोल व दिशा, इसके आधार पर दिशा प्रदान करता है, इसके आधार पर क्या करेगा, दिशा को प्रदान करेगा, दिशा बताएगा, ठीक है। यह होता है अपने देसी हल। इसके बाद में अपने बात करते हैं MB प्लाउ या मोल्ड बोर्ड हल। दो नंबर MB हल या इसको मोल्ड बोर्ड हल बोलते हैं, ठीक है। MB प्लाउ या मोल्ड बोर्ड हल इसको बोला जाता है। यह क्या काम करता है, प्रत्येक मिट्टी को पलटने के काम आता है। यह प्रत्येक मिट्टी को पलटने के काम आता है, जिससे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे खरपतवारों, क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। यह हल होता है, निम्नलिखित तीन भाग होते हैं, उसके निम्न तीन भाग होते हैं। पहला हल तल, हल का तले वाला भाग, और इसका मुख्य कार्य मिट्टी को चीरना है। दूसरा हरीस या हरीस को क्या बोला जाता है, हसल बोला जाता है, हसल। और तीसरा हत्ता, हत्ता लगभग सब में ही होता है, इसमें पुराने ज़माने में जो थे उनमें हत्ता सभी में होता है। तीसरे की अपने बात करते हैं हैरो। इसका क्या काम होता है, यह मिट्टी को क्या होता है, भुरभुरा बनाता है। हैरो का उपयोग खरपतवारों को काटने मिट्टी के ढेलों को तोड़ने मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी को तोड़ने के लिए, भुरभुरा बनाने के लिए, खरपतवारों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हैरो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, हैरो तीन प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं। हैरो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले की यदि अपने बात करें तो होता है डिस्क हैरो, डिस्क हैरो। अब इनमें क्या होता है, डिस्क हैरो में कोण पूछा जाता है, कोण होता है 20 डिग्री और व्यास होता है 12 से 18। व्यास कितना होता है, 12 से 24 इंच होता है, इसका व्यास 12 से 24 इंच होता है। अब दूसरे की यदि अपने बात करें, पहला होता है डिस्क हैरो, दूसरा होता है ड्रैग हैरो और तीसरा ब्लेड हैरो।
ये सब हैरो के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं कल्टीवेटर, अगला चौथा कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर से आप भली प्रकार से परिचित है कि कल्टीवेटर का उपयोग किस में किया जाता है। यह द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है, देखिए ये पढ़ चुके हैं, यह द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है, इसका उपयोग कतारों में बोई गई फसलों में निराई गुड़ाई व खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग कतारों में बोई हुई फसलों में खरपतवार निकालने व निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है। हाँ जी, इस यंत्र का मुख्य उद्देश्य खरपतवार, इस यंत्र का मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके निम्नलिखित भाग हैं, इसके भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपने भाग की बात करते हैं तो हत्ता, हत्ता पहला, दूसरा ढांचा, पहला भाग हत्ता, दूसरा भाग ढांचा, तीसरा भाग लीवर, लीवर चौथा खुरपे या फाल। इसके बाद में अगले भाग की बात करते हैं गेज व्हील, सेंक, हरीश। ये सारे क्या होते हैं, कल्टीवेटर के भाग होते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है, कतारों में बोई हुई फसलों में निराई गुड़ाई व खरपतवार निकालना। इसका मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण होता है। ठीक है, इनको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में एक अपना इंस्ट्रूमेंट और बचा, उसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ जी, अपने पांचवा पढ़ते हैं बीज उर्वरक ड्रिल, पांचवा इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, यंत्र पढ़ते हैं बीज उर्वरक ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर। इसका उपयोग अपने किस में किया जाता है कि बीज व उर्वरकों को भूमि में साथ में दिया जाता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, इसको जैसे अपने भूमि में दबाएंगे तो ये भूमि में क्या करेगा, कुंड बनाएगा, खड्डा बनाएगा, और उसमें एक जितनी मात्रा अपने निर्धारित करेंगे उतनी मात्रा में उर्वरकों के दाने को छोड़ देगा उसके अंदर। उसके बाद में यह थोड़ा सा ऊपर आके बीज की मात्रा को भी, एक दो बीज को छोड़ देता है। इस प्रकार से यह अपने चलाते जाएंगे आगे छेद करते जाएंगे भूमि में और बुआई करते जाएंगे। यह क्या होता है कि उर्वरकों को साथ में देने का काम करता है। इसमें अपने लिखते हैं सीड कम फर्टिलाइजर, सीड कम फर्टिलाइजर इसका नाम होता है इंग्लिश में, से पहले कुंड में उर्वरक, सीड कम फर्टिलाइजर से पहले क्या होता है, कुंड में उर्वरक नीचे गहराई पर
डालकर नीचे गहराई पर बीज डालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डालकर मिट्टी चारों तरफ गिरा दी जाती है, डालकर चारों तरफ मिट्टी गिरा दी जाती है, चारों तरफ क्या करेंगे मिट्टी को गिरा दिया जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं इससे समान गहराई पर कुंड बनता है, इससे कुंड क्या होगा समान गहराई पर बनेगा, वह उसी में बीज डालकर उसी में बीज डालते हुए मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है, ये काम होता है इसका। इसके बाद में अपने बात करते हैं पशु चलित और ट्रैक्टर चलित हैरो। अब बात आती है पशु चलित और ट्रैक्टर चलित हैरो में अंतर। अब जो पशुओं से हैरो चलाया जाता है और जो ट्रैक्टर से हैरो चलाया जाता है उनमें अंतर क्या होते हैं, देखिए जो पशुओं से जो हैरो चलाए जाते हैं उनमें क्या होगा, उनमें एक तो समय ज़्यादा लगेगा, समय पशुओं से ज़्यादा लगेगा ट्रैक्टर से कम लगेगा। अब उनका जो पाड़ा होता है उनमें जो बुआई करने वाले जुताई करने वाले जो तवे लगे होते हैं वो संख्या पशुओं वाले में कम होगी और ट्रैक्टर वाले में ज़्यादा होगी। जब संख्या पाड़ों की संख्या ज़्यादा होगी, पाड़े ज़्यादा लेके जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया जुताई कर पाएंगे तो समय की क्या होती है, बचत होती है। इनमें कोण भी अलग अलग निर्धारित होते हैं क्योंकि कोण के आधार पर बुआई की जाती है, इसमें क्या होता है कोण जितना कितना तिरछा होता है किस एंगल पे अपने को उसको लगाना है इस आधार पे होता है। दूसरी बात पशुओं द्वारा जो चलित हैरो होते हैं वो पशुओं से चलाए जाते हैं जैसे बैल ऊंट इनसे चलाए जाते हैं, और जो ट्रैक्टर चलित होते हैं उनको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। अपने अंतर लिखते हैं इनमें, यहां लिखते हैं पशु चलित हैरो, ट्रैक्टर चलित हैरो। अब पशुओं से चलने वाले हैरो कौन कौन से होते हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले हैरो कौन से होते हैं, ये बैलों की सहायता से चलाए जाते हैं, ये किसकी सहायता से चलाए जाते हैं, बैलों की सहायता से, ये ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, ये ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद में अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में है ये सिंगल एक्शन होता है, इसमें एक्शन कौन सा होता है, सिंगल, ये सिंगल एक्शन, वो कराटे वाला नहीं एक्शन होता है, यह सिंगल डबल, यह सिंगल डबल और ऑफशिट, ऑफशिट तीनों प्रकार का होता है, ये क्या होगा सिंगल डबल व ऑफशिट तीनों प्रकार का होता है। इसके बाद में तीसरे अंतर की अपने बात करते हैं तो इसकी क्षमता कम होने के कारण
कम क्षेत्र में जुताई की जाती है, कम क्षेत्र में जुताई की जाती है। इसकी क्षमता अधिक होने के कारण जुताई बड़े क्षेत्र में की जाती है, की जा सकती है, की जा सकती है। चौथा पॉइंट अपने पढ़ते हैं, प्रति गैंग डिस्क, मतलब कि तवों की संख्या तीन से चार होती है। प्रति गैंग डिस्क की संख्या आठ से दस होती है। पांचवा पॉइंट, समय अधिक लगता है इससे समय अधिक लगता है इससे समय कम लगता है। अगला पॉइंट अपने देखते हैं, डिस्क का व्यास 30 से 40 सेमी होता है, डिस्क का व्यास 45 से 60 सेमी होता है। ये क्या होते हैं, पशु चलित और ट्रैक्टर चलित हेयरों में अंतर होते हैं। इसके बाद में अपने देखेंगे कि कल्टीवेटर और हेयरों में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। ये देखे थे अपने डिस्क हेयरों में और पशु चलित हेयरों में और ट्रैक्टर चलित हेयरों में। अब अपने देखते हैं कल्टीवेटर और हेयरों में अंतर, कल्टीवेटर और हेयरों में क्या अंतर होते हैं। चलिए लिखते हैं अपने कल्टीवेटर और हेयरों में अंतर। हाँ जी, कल्टीवेटर और हेयरों में क्या अंतर होते हैं। एक साइड अपने कल्टीवेटर में लिखेंगे और दूसरी साइड अपने हेयरों में लिखेंगे। देखिए कुछ तो अपने परिभाषा में पढ़ चुके हैं, यहां पे अपने लिखते हैं कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, यहां पे अपने लिखते हैं हेयरों, ठीक है। पहला अंतर अपने लिखते हैं, कल्टीवेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, खरपतवारों का निकालना होता है। हेयरों का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत आते हैं ना हेयरों, भूमि के ढेलों को फोड़ना, ढेलों को फोड़ना और मृदा को भुरभुरा बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। तो चलिए अपने लिखते हैं इसको कि हेयरों का क्या कार्य होता है और कल्टीवेटर का, इस यंत्र का उपयोग खरपतवारों को हटाने कोमा निराई गुड़ाई कोमा जुताई भूमि की ऊपरी परत को तोड़ना नहीं कठोर परत को तोड़ना को तोड़ने कठोर परत को तोड़ने निराई गुड़ाई खरपतवारों को हटाने भूमि की ऊपरी परत को कठोर परत को तोड़ने जुताई व बुवाई के काम आता है। इसका तो यह काम है। अब बात करते हैं अपने कि हेयरों का क्या काम है।
हैरो का उपयोग खरपतवारों को काटने कोमा भूमि को भुरभुरा बनाने कोमा ढेलों को फोड़ने के काम आता है। ये क्या काम आता है? भूमि को ढेलों को फोड़ने के काम आता है, निराई गुड़ाई के काम कल्टीवेटर आता है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण यह है। इसका उपयोग लाइनों में बुआई वाली फसलों में निराई गुड़ाई के लिए करते हैं। ये बात आपने पढ़ ली। अब इससे क्या होते हैं, खरपतवार तो कटते हैं तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? भूमि में हरी खाद को मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भूमि में जो हरी खाद है उसको मिलाने के लिए हैरो का अपने उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होंगे? इसमें फाल लगे होते हैं और इसमें तवे लगे होते हैं। ठीक है, ये है अंतर इसके अंतर्गत मुख्य रूप से। अब एक अपना अंतर रह गया और मोस्टली अपने इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गए। इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रहा है। एक तो रहा है प्लांटर, प्लांटर और कंबाइन। अगली वीडियो में अपने प्लांटर और कंबाइन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लांटर को उपयोग कैसे करते हैं, प्लांटर का उपयोग कब किया जाता है, कैसे करते हैं, प्लांटर का कार्य क्या है, कंबाइन के क्या कार्य है, कंबाइन से खेती करने के क्या लाभ है, कंबाइन से खेती करने सॉरी निराई गुड़ाई सॉरी कटाई मडाई और ओसाई करने के क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, कंबाइन बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है, किस प्रकार से यह कार्य करती है, इन सब का जिक्र अपने इसमें अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।